डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन के लिए अनेक टेरिडोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किए हैं। हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। यानी संवहनी क्रिप्टोगैम्स प्लांट कहलाते हैं और इस समूह के अंदर साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विस्टम, फर्न्स ऐसी स्पीशीज को शामिल किया गया है। टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है जीएम स्मिथ का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय जीएम स्मिथ। जीएम स्मिथ का क्लासिफिकेशन दिया गया है। जीएम स्मिथ से पहले जो टेरिडोलॉजिस्ट आए हैं उन्होंने टेरिडोफाइटा को साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा तथा टेरोप्सिडा में डिवाइड किया है, लेकिन स्मिथ के अनुसार इन सब को एक डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा में मानना उचित नहीं है और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसको चार डिविजन्स के अंदर डिवाइड करके दिया गया है। उन्होंने वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स को, जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, इनको चार डिवीज़न मान करके क्लासिफाई किया गया है। जैसे ये डिवीज़न है, डिविजन्स के अंदर सबसे पहला साइलोफाइटा बनाया गया है, साइलोफाइटा, फिर लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा, इसको लाइकोफाइटा भी कहते हैं और लेपिडोफाइटा भी। लेपिडोफाइटा भी कहेंगे और लाइकोफाइटा भी। तीसरा डिवीज़न बनाया गया है कैलेमोफाइटा, कैलेमोफाइटा। चौथा डिवीज़न बनाया गया है टेरोफाइटा, टेरोफाइटा। डिवीज़न के बाद इन डिवीजन्स को क्लास में क्लासिफाई किया गया है, क्लास वर्गों में। साइलोफाइटा की जो क्लास बनाई गई है वो है साइलोफाइटिनी। साइलोफाइटिनी लाइकोफाइटा की जो क्लास बनाई गई है वो है लाइकोपोडिनी। लाइकोपोडिनी कैलेमोफाइटा की क्लास इक्विसिटिनी। इक्विसिटिनी और टेरोफाइटा जो है इसकी क्लास बनाई गई है फिलिसिनी। फिलिसिनी इस प्रकार से चार डिविजन्स की चार क्लास बनाई गई हैं। इन क्लासेस को फिर आगे ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है।
ऑर्डर्स के अंदर अगर हम देखते हैं गणों के अंदर, तो ये पहला डिवीज़न जीएमई स्मिथ का क्लासिफिकेशन के अंदर साइलोफाइटा, साइलोफाइटा की जो क्लास बनाई गई यानी वर्ग जो बनाया गया है वो है साइलोफाइटिनी, और ऑर्डर बनाया गया है साइलोफाइटल्स। इसमें दो ऑर्डर बनाए गए हैं, पहला ऑर्डर है साइलोफाइटल्स, साइलोफाइटल्स पहला ऑर्डर साइलोफाइटल्स है, और दूसरा ऑर्डर इसका लाइकोपोडिनी के अंदर लाइकोपोडियल, लाइकोपोडियल पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे। जो साइलोफाइटा डिवीजन की क्लास साइलोफाइटिन है, इसमें एक ऑर्डर तो बनाया गया है साइलोफाइटल्स, और दूसरा ऑर्डर बनाया गया है साइलोटेल्स। साइलोटेल्स देखिए, साइलोफाइटल्स के अंदर जो फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स बन चुके हैं उनको सम्मिलित किया गया है, जैसे राइनिया, यहाँ पर एग्जांपल के हम के अंदर हम शामिल करेंगे राइनिया को, और एक होर्नियोफाइटोन भी है, ये भी फॉसिल्स बन चुके हैं, होर्नियोफाइटोन, होर्नियोफाइटोन। तो ये दो टेरिडोफाइट साइलोफाइटेल्स के अंदर रखे गए हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स बन चुके हैं। साइलोटेल्स के अंदर एक टेरिडोफाइट है साइलोटम, साइलोटम ये टेरिडोफाइट लिविंग है, लेकिन इसे लिविंग फॉसिल्स यानी टेरिडोफाइट्स में, लिविंग फॉसिल्स में जाना जाता है इसको। लाइकोफाइटा डिवीजन की जो क्लास है लाइकोपोडिनी, इसमें जो ऑर्डर बनाए गए हैं, पहला ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, दूसरा ऑर्डर बनाया गया है सिलेजिनिलेल्स, सिलेजिनिलेल्स, थर्ड ऑर्डर बनाया गया है लेपिडोडेंड्रिल्स, लेपिडोडेंड्रिल्स, और फोर्थ ऑर्डर बनाया गया है आइसोईटेल्स, आइसोईटेल्स। देखिए लाइकोपोडियल्स ऑर्डर के अंदर लाइकोपोडियम पढ़ा जाता है, सिलेजिनिलेल्स ऑर्डर के अंदर सिलेजनेला पढ़ा जाता है, लेपिडोडेंड्रिल्स के अंदर लेपिडोडेंड्रोन को पढ़ा जाता है जो फॉसिल्स हो चुका है, और आइसोईटेल्स के अंदर आइसोईटिस को पढ़ा जाता है। तीसरा जो डिवीज़न बनाया गया था कैलेमोफाइटा, इसकी क्लास इक्विस्टिनी रखी गई थी, और इस क्लास के अंदर तीन ऑर्डर बनाए गए। पहला ऑर्डर हाइनियल्स, हाइनियल्स, सेकंड ऑर्डर स्फिनोफिलेल्स बना गया है, स्फिनोफिलेल्स, और थर्ड ऑर्डर जो बनाया गया है वो है इक्विसिटेल्स। इक्विसिटेल्स हाइनियल्स के अंदर जो मेंबर है वो हाइनिया है, स्पिनोफिलेल्स के अंदर जो मेंबर है वो स्पिनोफिलम है, और इक्विसिटेल्स के अंदर इक्विस्टम पढ़ा जाता है। इसके बाद जो थर्ड फोर्थ जो डिवीज़न बनाया गया था
टेरोफाइटा उसकी एक क्लास बनाई गई थी फिलिसिनी, और फिलिसिनी क्लास के अंदर जो ऑर्डर्स बनाए गए हैं उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिलिसिनी क्लास के जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फर्स्ट जो फिलिसिनी जो क्लास बनाई गई है इसकी एक सब क्लास भी बनाई गई है, सब क्लास, सब क्लास बनाई गई है प्राइमो फिलिकेल फिलिसिस फिलिसिस, ये सब क्लास बनाई गई है। और इसके बाद इसके अंदर जो ऑर्डर रखे गए हैं वो ऑर्डर के अंदर गण प्रोटोटेरिडेल्स प्रोटोप्टेरिडेल्स प्रोटोप्टेरिडेल्स, दूसरा सिनोप्टेरिडेल्स, दूसरा जो ऑर्डर है वो सिनोप्टेरिडेल्स, और एक है आर्कियोप्टेरिडेल्स। आर्कियोप्टेरिडेल्स इस प्रकार से फिलिसिनी क्लास को सब क्लास में बांटा गया है। तो पहली जो सब क्लास है वह प्राइमोफिलिसिस, जिसमें तीन ऑर्डर रखे गए हैं प्रोटोटेरिडेल्स, सिनोप्टेरिडेल्स और आर्कियोप्टेरिडेल्स। एक्चुअल में फिलिसिनी जो क्लास है वर्ग है इसके अंदर फर्न्स आती हैं, फर्न्स। तो इस सब क्लास के अंदर जो फर्न्स हैं वो ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी वो सब क्लास अब फॉसिल्स के रूप में हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरी जो सब क्लास बनाई गई है जिसे हम बी कह सकते हैं, बी जो सब क्लास है वो सब क्लास है यू स्पोरेंजिएटी, यू स्पोरेंजिएटी, यू स्पोरेंजिएटी सब क्लास के अंदर फिर ऑर्डर बनाए गए हैं। ऑर्डर बनाए गए जैसे इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर है वो ओफियोग्लोसिल है, ओफियोग्लोसिल्स है, ओफियोग्लोसिल्स। दूसरा ऑर्डर इसके अंदर है मेरासील्स, मेरासील्स। और थर्ड जो ऑर्डर है, देखिए यूस्पोरेंजिटी सब क्लास के अंदर ऑर्डर फर्स्ट ओफियोग्लोसिल्स, जिसमें ओफियोग्लोसम को पढ़ा जाता है, और सेकंड जो ऑर्डर है वो है मेरासील्स, जिसमें मेरासिया को पढ़ा जाता है। इसके बाद तीसरी सब क्लास और है तीसरी सब क्लास जो बनाई गई है जिसे हम सी कहेंगे, वह सब क्लास है लेप्टोस्पोरेंजिएटी,
लेप्टोस्पोरेंजिटी सब क्लास को तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है फिलिकेल्स, सेकेंड ऑर्डर है मार्सिलियल्स, और थर्ड ऑर्डर बनाया गया है साल्विनियल्स। इस प्रकार से जो टेरोफाइटा जो डिवीज़न है उसके अंदर तीन क्लास बनाई गई हैं। जो तीसरी क्लास है वो है लेप्टोस्पोरेंजिटी। यहाँ पर भी फर्न्स टाइप के टेरोफाइट्स हैं, जिसमें से फिलिकेल्स के अंदर फर्न्स जैसे एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये फर्न्स पड़ी जाती हैं, जहाँ पर लेप्टोस्पोरेंजिट टाइप का स्पोरिंजियम का डेवलपमेंट होगा। मार्सिलियल्स के अंदर मार्सिलिया पढ़ा जाता है, ये भी एक जलीय फर्न है मार्सिलिया, और साल्विनियल्स के अंदर साल्विनिया पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनको जीएम स्मिथ ने जो क्लासिफाई किया है, फिर एक बार याद कीजिए, चार डिवीज़न में बांटा है, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड टेरोफाइटा। साइलोफाइटा डिवीज़न की जो क्लास बनाई गई है वह है साइलोफाइटिनी। लाइकोफाइटा डिवीज़न की क्लास लाइकोपोडिनी, कैलेमोफाइटा डिवीज़न की क्लास इक्विसिटिनी, और टेरोफाइटा डिवीज़न की जो क्लास बनाई गई है वो फिलिसिनी। अच्छा, इसमें जो ऑर्डर बनाए गए हैं फिलिसिनी के अंदर वो है हाइनियल्स, स्पिनोफिलेल्स एंड इक्विस्टेल्स। साइलोफाइटा की क्लास साइलोफाइटिनी के जो ऑर्डर्स हैं साइलोफाइटेल्स, जिसमें राइनिया और होर्नियोफाइटोन पढ़ते हैं। दूसरा ऑर्डर साइलोटेल्स, इसमें साइलोटम पढ़ते हैं। लाइकोफाइटा डिवीज़न की जो क्लास लाइकोपोडिनी है, इसमें चार ऑर्डर बनाए गए हैं, लाइकोपोडियल्स, सिलेजनिलेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स एंड आइसोईटेल्स। या लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, लेपिडोडेंड्रोन और आइसोईट्स को पढ़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो फिलिसिनी है इसको सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फिलिसिनी को सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राइमोफिलिसिस ए सब क्लास बनाई गई है, और इसके अंदर जो ऑर्डर रखा गया है वो प्रोटोटेरिडेल्स, सिनोप्टेरिडेल्स, आर्क्योप्टेरिडेल्स, इन सब के अंदर एक्सटिंक्ट फर्न्स को पढ़ते हैं। एक्सटिंक्ट फर्न्स पढ़ी जाती हैं, यानी जो फर्न सब लुप्त हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर सिनोप्टेरिस फर्न्स है, आर्क्योप्टेरिस फर्न्स है। यूस्पोरेंजेटी सब क्लास के अंदर दो ऑर्डर रखे गए हैं, ओफियोग्लोसेल्स और मेरासेल्स। और तीसरी जो सब क्लास जो मैंने आपको बताई थी, तीसरी सब क्लास लेप्टोस्पोरेंजिटी है, जहाँ पर दो तीन ऑर्डर बनाए गए हैं फिलिकेल्स, जिसमें ये सब फर्न्स ट्यू फर्न्स आ जाती हैं, जैसे एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस। और इसके बाद दूसरा जो ऑर्डर बनाया गया है मार्सिलियल्स, जिसमें मार्सिलिया पढ़ा जाता है, ये जलीय फर्न्स टाइप का एक टेरिडोफाइट है, और साल्विनियल्स, जिसमें
साल्विनिया पढ़ा जाता है। इस प्रकार से ये प्लेडोफाइट का क्लासिफिकेशन था जो किसके द्वारा दिया गया था, जीएम स्मिथ के द्वारा। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।